बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भले ही 1.5 लाख के पार चला गया हो, लेकिन अब बदलते दौर में हालात भी यहाँ बदला है, काफ़ी तेज़ी से बदले हैं। इस वक्त हम पटना के NMCS अस्पताल में हैं, जो कोविड केयर हॉस्पिटल था, और यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी लगातार किस तरीके यहाँ पे बदइंतजामी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते थे, लोग परेशान रहते। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है, यहाँ देख सकते हैं कि हेल्पलाइन काउंटर खुला हुआ है, बैरिकेड किया हुआ, और कोई भी परिजन इस वक्त हमें नहीं मिल पा रहे हैं। इस हेल्पलाइन काउंटर पर आप देखेंगे यहाँ पर CCTV भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर किस तरीके की जानकारी आप लोग देते हैं? आप देखिए कि यहाँ पर CCTV जो कैमरे लगे हुए हैं, इसके अलावा जो भीड़ यहाँ पे परिजनों का हम देखते थे वो भी यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। तो ये कहेंगे कि जो समस्याएं यहाँ पर था उसको तेज़ी से सुधारा गया है और इस बात को दुरुस्त किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें कि यहाँ पे काफ़ी तस्वीरें हमने दिखाई थी किस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो परिजन होते थे वो परेशान होते थे, लेकिन अभी यहाँ नहीं है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो स्टॉक है वो यहाँ पर्याप्त कर लिया गया है। इसके अलावा जो दूसरे कोविड केयर हॉस्पिटल हैं वहाँ भी खास तौर पर एहतियात बरता गया है। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा था उसे रोकने में आज बिहार में काफ़ी अच्छी स्थिति है, और यहाँ रिकवरी रेट जो है वो दूसरे प्रदेशों से काफ़ी अच्छा है। यही वजह है कि अब संक्रमितों का जो संख्या है, संक्रमितों के जो दायरे हैं वो काफ़ी कम हुए हैं, कैजुअल्टीज़ कम हुए हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ऊझा, पटना न्यूज़ 24।